बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अरमगन वाला इन फ्रंट ऑफ यू। और आज का हमारा टॉपिक है रिस्क एंड इट्स कैटेगरी। अच्छा, रिस्क का मतलब होता है खतरा। जिंदगी के अंदर हर इंसान अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रेशियो के हिसाब से रिस्क लेता है। अच्छा, रिस्क की तीन कैटेगरी होती है ना, रिस्क लेने वालों की तीन कैटेगरी होती है। नंबर वन होती है रिस्क टेकर, सेकेंड होती है रिस्क न्यूट्रल, एंड थर्ड होती है रिस्क अवॉइडर। अच्छा, जो रिस्क टेकर होती है ये बड़ी खतरनाक कैटेगरी होती है। नंबर वन जो कैटेगरी होती है रिस्क टेकर, ये बड़ी ही खतरनाक, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं डरते हैं ज़िंदगी के हर मोड़ पर, हर डिसीजन पे आंखें बंद करके रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि इन्हें रिस्क लेने में बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि ये इस सेंटेंस पे बिलीव करते हैं, द हायर द रिस्क द हायर द रिटर्न। अब वो फाइनेंशियल मार्केट्स हो या कोई भी मार्केट्स हो, वो इनके अंदर बहुत तेज़ी से रिस्क ले रहे होते हैं। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी के अंदर जो वर्ड आपने सुना होगा जी, उसको चक्कर लग गया या जैकपॉट लग गया, तो वो वही वाली कैटेगरी होती है रिस्क टेकर वाली। क्योंकि द हायर द रिस्क द हायर द रिटर्न, हमारे एक टीचर हैं वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा इंग्लिश वाला रिस्क लोगे उतना ज़्यादा उर्दू वाला रिस्क आपको मिलेगा। और ये बिल्कुल फैक्ट भी है कि जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं वो उन्हें रिटर्न भी ज़्यादा अच्छा मिलता है। बट इट डजेंट मीन कि आप मेरी इस बात को फॉलो करते हुए हर मोड़ पर रिस्क ले लिया करें। आप अपने हिसाब से खुद देखें कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा जी, दूसरी जो कैटेगरी है वो है रिस्क न्यूट्रल की। इसके अंदर क्या होता है कि रिस्क न्यूट्रल वाले लोग वो होते हैं कि जो खुद एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि कहाँ रिस्क लेना चाहिए और कहाँ रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो वो सिचुएशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं और उसके बाद जाके उनको फील होता है कि जी हाँ जी, कहाँ रिस्क लेना चाहिए, तो वो रिस्क ले लेते हैं। और जहाँ उनकी कैलकुलेशन कहती है कि नहीं जी, इधर हमें ज़रा रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो वो वहाँ रिस्क नहीं लेते। वो फिर ज़िंदगी के हर मोड़ पे इन चीज़ों को छानबीन करके, एनालाइज करके, एग्जामाइन करके फिर ये फैसला करते हैं। अच्छा, जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है रिस्क अवॉइडर की। ये वो कैटेगरी होती है कि जो बिल्कुल रिस्क से कोसों दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो सेफ प्ले करते हैं, ये उनका नेचर होता है, क्योंकि वो जानबूझकर नहीं कर रहे होते, ये उनका नेचर होता है। उनके पीछे लाइफ लेसन्स ने उनको ऐसा सिखाया हुआ होता है कि जी आप रिस्क अवॉइडर रहे तो बेहतर है। तो वो डिपेंड करता है कि उनके पीछे पास्ट में क्या पोजीशन गुजरी होगी, क्या केस स्टडी गुजरी होगी, जिससे वो रिस्क अवॉइडर बन जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, आपको कैटेगरी पता चला होगा। आप चेक करो कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह आगे की और मज़े मज़े की वीडियोज़ आपको अपलोड करके देंगे। Thank you.